नगर कौंसिल सुजानपुर की ओर से हाउस की बैठक कौंसिल प्रधान रूपलाल की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से 15 वार्डों के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। इस मौके पर कौंसिल के उप प्रधान के चुनाव करवाने का फैसला भी लिया गया। जानकारी में कौंसिल प्रधान रूपलाल वे पार्षद सुरेंद्र मन्हास ने बताया। उसकी मीटिंग नगर कौंसल सुजानपुर की गई है, जिसे 1.5 करोड़ रुपए के जो काम PIDB के एस्टीमेट बना के जो पंजाब सरकार ने मोबाइल में भेजे ने, उन्होंने वास्ते अज मीटिंग सी। 15 के 15 वार्डों के पैसे पाए गए हैं शहर के विकास वास्ते, जो सरकार वालों सानू फंड मिल जा रहे हैं। इस करके अज जी मीटिंग हुई है सर्वसम्मति के नाल सारे ही MC साहबान ने अपने अपने वार्डों के काम पा के तो सारे ने अपनी सहमति दी है। मैं सारे ही MC साहबान का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि नगर कौंसल के अंदर जिन्हें भी विकास के जो काम ने वो सारे किए जाएंगे। सो मैं एक बार फिर तो अपने जो MC साहबान उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। और मैं शहर वासियों ने अपील भी करना है कि जी इनक्रोचमेंट है ये नगर कौंसल का साथ दो। जिथे दिल करता कोई रेहड़ी ला लैंदा, मोटरसाइकिल ला लैंदा, वो आन जाण वास्ते जिहड़े लोकी आते हैं चाहे वह शहर के नहीं जां बाहरों ने, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो मेरी बेनती है कि जिथे इनक्रोचमेंट ते कंट्रोल करना, उसके नाल नाल शहर वासियों के भी बेनती है कि साफ सफाई का जिहड़ा वह भी नगर कौंसल का साथ दो। आए दिन असी कर रहे कि जो कूड़ा है वह नालियां सुट देने, जो रक्षे जो डोर टू डोर जा रहे हैं बाहर वार्ड से जाते पे ने कूड़ा जो रक्षा के नगर कौंसल एक बैठक हुई है जिदे मैं एक एप्लीकेशन जी जो नगर कौंसल वाइस प्रधान का इलैक्शन जोड़ा पिछले 2-3 साल तो ड्यू है, मैं वो मंग रखी है कि जोड़ा इलैक्शन जोड़ा जल्द करवाया जाए और बहुत जल्द DC साहब भी मिलया जाएगा भी जोड़ा इलैक्शन है जोड़ा पेंडिंग इलैक्शन है वाइस प्रधान नगर कौंसल सुजानपुर का वो कराया जाए।